बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। लेट मी टेल यू अबाउट डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, चार्ल्स बेबेज उसका नाम था, जिसने ये डिवाइसेस इन्वेंट की। पहले उसने वर्कआउट किया डिफरेंस इंजन पे, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन उसने बनाना स्टार्ट किया, जो साइज़ में बहुत बड़ा था, लाइक एक रूम की कैपेसिटी के जितना उसका साइज़ था, उस पर उसने वर्कआउट किया। ओके, ये इसका ब्रीफ सा बैकग्राउंड था। मैं अब आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ और इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन 1822 द इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ बिग कैलकुलेटिंग मशीन अबाउट द साइज ऑफ अ रूम। एक रूम के साइज की डिवाइस पे उसने वर्कआउट शुरू किया, चार्ल्स बेबेज, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। कब स्टार्ट किया उसने? 1822 में। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि व्हेन चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंस इंजन। ओके, तो उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं, लाइक 1822, 1922 और 1823, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस भी आ सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ओके, ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन, उसने इसको किस क्या नाम दिया? डिफरेंस इंजन का नाम दिया। बेबेज वर्क्ड फॉर मेनी इयर्स ऑन दिस मशीन बट कुड नॉट कंप्लीट इट। उसने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की कई सालों तक, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर सका, कोई इसको हतमी शक्ल नहीं दे सका। तो उसने क्या किया, फिर इस पर काम करना छोड़ दिया। ही कुड नॉट कंप्लीट इट बिकॉज द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एडवांस इनफ। उस टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसने फिर इस पर वर्कआउट करना छोड़ दिया। बट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अब चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी इसीलिए कहा जाता है कि उसने डिजिटल कंप्यूटर्स की फाउंडेशन, बुनियाद रखी उसने, ठीक है।